सो गाइस YouTube में एक वीडियो अभी सबसे अधिक रिकमेंड हो रहा है होम पेज में, YouTube व्यू फ्रीज 301। एक ऐसा यूट्यूबर है जिनके चैनल पे 3.55 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट उनका एक वीडियो पे 301 व्यू से अप भी नहीं हो रहा है ना डाउन हो रहा है। उसका उसी वीडियो पे लाइक का बात करें तो 1.1 मिलियन लाइक है, एंड डिसलाइक का बात करें तो 18K डिसलाइक है, एंड कॉमेंट का बात करें तो 171K कॉमेंट है, जो कि काफी बड़ा रेशियो है। बट उनका व्यू का बात करें तो 301 व्यू में उनका वीडियो जो फ्रीज कर दिया गया है YouTube के तरफ से। तो अभी के टाइम में वो वीडियो काफी अधिक जो है रिकमेंड किया जा रहा है। तो वो वीडियो का अपलोड टाइम बताएं तो 8 साल पहले वो वीडियो अपलोड हुआ है, एंड उसी वीडियो पे मैंने खुद जो है 10 बार क्लिक किया व्यू इंक्रीज करवाने के लिए, बट उनके यूट्यूब वीडियो पे व्यू इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया उस वीडियो के साथ, फुल इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। यूट्यूब में बहुत सारा अभी के टाइम में वीडियो देखने को मिल जाएगा 301 व्यू फ्रीज, लेकिन उनमें कोई जेन्युइन मुझे सटीक कहीं से भी आंसर देखने को नहीं मिला। मैंने काफी सारा रिसर्च किया, उसके बाद जेन्युइन सटीक आंसर आप लोग साथ शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो देखने पहले भाई को जान लीजिए। भाई का नाम है अमन और आप देख रहे हैं आपका हमारा प्यारा YouTube चैनल लाइक टॉपिक। सो गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो चलेगा फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको पता होगा यूट्यूब में SEO एंड एल्गोरिथम बोलकर भी कोई चीज होता है। SEO क्या होता है ना, अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने वीडियोस को अपलोड करके रैंक करवाने के लिए आप लोग SEO करते होंगे, लाइक अपनी वीडियो को अधिक व्यू लाने के लिए, अपने चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए SEO करते होंगे, एंड एल्गोरिथम उसी का रूप है। एल्गोरिथम क्या होता है ना, यूट्यूब में हमेशा चेंज होते रहता है, 6 मंथ 12 मंथ या फिर 4 मंथ में एल्गोरिथम हमेशा चेंज होते रहता है। इसीलिए कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो कि एल्गोरिथम यूट्यूब के एल्गोरिथम को पकड़ पाए आपको। इसीलिए हर यूट्यूबर अलग टिप्स एंड ट्रिक देते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ऐसे व्यू बढ़ेगा। कोई एक ही टिप्स क्यों नहीं देता कि ऐसे करो तो इतना हो जाएगा व्यू। तो इसलिए एल्गोरिथम हमेशा चेंज होते रहता है, कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी क्रिएटर नहीं पकड़ पाएगा। और अभी यूट्यूब को जो भी रोबोटिक सिस्टम से चलता है, 90% यूट्यूब हमारा रोबोटिक सिस्टम हो चुका है, 10% ह्यूमन सिस्टम से चलता है। यहीं पर बात करें यूट्यूब व्यू फ्रीज 301 के बारे में, तो एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नंबर फाइल्स, जिसपे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, एंड इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था 8 साल पहले जब YouTube स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम स्टार्टिंग के टाइम जब YouTube नया नया कंपनी था तो वो ह्यूमन के तरीके से चलता था, एंड उस टाइम काफी सारा बग था YouTube पे, जो कि अभी क्लियर हो गया क्योंकि अभी एडवांस हो गया हमारा YouTube, बहुत अधिक एडवांस हो गया है। एंड उस टाइम जो है एडवांस नहीं था, तो नया नया स्टार्टअप था YouTube का, तो उस टाइम काफी सारा बग था। तो उस टाइम का एल्गोरिथम ऐसा कुछ काम करता था कि जब भी कोई क्रिएटर उस पर वीडियोज डाले तो उसका वीडियो पहले 301 व्यू, अगर सीमित समय 1 घंटे के अंदर अगर 301 व्यू आ जाता है तो उसके वीडियो को रिपीट चेक किया जाता था यूट्यूबर्स के तरफ। यूट्यूब के जो क्रिएटर थे जो ह्यूमंस चेक करते थे, उनके तरफ से रिपीटेड चेक किया जाता कि ये 300 व्यू एक सीमित समय में किधर से आया है। तो उसीलिए इस जो यूट्यूबर है उन्होंने वीडियो डाला 301 व्यू जिनका फ्रीज हो चुका है, तो उन्होंने जब वीडियो डाला तो करीब 10-20 मिनट में उनका 301 व्यू आ गया। तो वो जो भी ह्यूमंस चेक कर रहे थे वो उनका माइंड में मतलब कैप्चर ही नहीं हो पाया कि ये 301 व्यू कहां से आया भाई, इतना जल्दी कहां से आया, क्योंकि सीमित समय में था और ये बहुत जल्दी ले आए थे। तो उन टाइम जो ह्यूमंस वेरिफिकेशन था, ह्यूमन जो हमारा काम करता था यूट्यूब में, वो पकड़ ही नहीं पाया जो ये व्यू कहां से आया, इसलिए इसको फ्रीज कर दिया गया। और अभी मैं खुद पर्सनली इस पे जस्ट 12 बार क्लिक कर दिया व्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बढ़ा नहीं गया, 301 पे ही अटक गया। और अभी खुद वो यूट्यूबर काफी सारा मेल किया YouTube को, भाई ये कैसा हो रहा है, लेकिन उनका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। और अभी ये वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है YouTube पे, होम पेज पे, एंड मेनी मोर जगह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यही पूरा का पूरा स्टोरी है। अभी तक कोई जेन्युइन मैं भी खुद नहीं निकाल के पाया हूं कि इसका जेन्युइन रीजन क्या है। मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये एल्गोरिथम YouTube का जो ह्यूमन वेरिफिकेशन चलता था, ह्यूमन जो मैनेज करते थे, वो जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हुआ है। सो आई होप गाइस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा 301 व्यू को लेकर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले से भी घूमते फिरते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।